आज मैं स्टैंडर्ड 7th मैथ्स का चैप्टर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इस वीडियो में, और आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रैक्टिस सेट 37, क्वेश्चन 1। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस 7 kg ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। तो पहले हम लोग को आंसर लिखते टाइम पहले हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है, ये हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे तो हम लोग का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है स्टार्टिंग में। पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम लोग को लिखना है। हम लोग लिखते हैं 7 kg ऑनियंस कॉस्ट इज 140 रुपीज़। फिर इतना लिखने के बाद हम लोग को लिखना है, लेट हम लोग को एज्यूम करना है, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम कि 12 kg का कितना कॉस्ट है, और क्वेश्चन में दिया है कि 12 kg हम लोग को ढूंढना है। तो इसलिए हम लोग को पहले एक्स एज्यूम करना है। चलो कहते हैं लेट 12 kg ऑनियंस कॉस्ट बी एक्स रुपीस। इतना कहेंगे, उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला डालना है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। 7/140 इक्वल्स टू 12/x। मैं इसलिए लिखा है पे 7/140 क्योंकि 7 kg ऑनियन कॉस्ट है 140 रुपीज़। 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, और 12 kg का ऑनियन कॉस्ट एक्स रुपीज़, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम तो हमने एक्स एज्यूम किया उसको। इतना कहेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 7 × x इक्वल्स टू 140 × 12। 7 × x, एक्स ही आंसर है, 7x ऐसा आंसर आएगा। तो 7x इक्वल्स टू 140 × 12। आप लोग इंटू करते हैं तो मैं करके आपको दिखाता हूँ, 1680। तो अभी ये डिवाइड के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिवाइड के मतलब मल्टीप्लाई से डिवाइड के फॉर्म में लाएंगे इसको, तो फिर ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी हम लोग को दोनों को डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, एक्स इक्वल्स टू 7/1680। तो आप लोग उसको डिवाइड करके देखिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा एक्स इक्वल्स टू 240। तो हम लोग को इतना लिखने के बाद हम लोग को लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर 240 रुपीज़ वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। इतना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग का। तो हम लोग क्वेश्चन टू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू आंसर, तो इसमें हम लोग पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद इसमें स्टार्ट करेंगे। 600 रुपीज़ बाई 15 बंचेस ऑफ फीड। ये कहेंगे, इसके बाद हम लोग लेट एज्यूम करेंगे, लेट 1280 रुपीज़ बाई 5 बाई x बंचेज ऑफ फीड। फिर तो हम लोग वही फॉर्मूला डालेंगे, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। देयरफॉर 15 बंचेस विल बाई 600। 600 रुपये में हम लोग को 15 बंचेस मिलेगा, और एक्स रुपीज़ में हम लोग को मतलब एक्स 1280 रुपीज़ में हम लोग को एक्स बंचेस मिलने वाले हैं। हम लोग लेट उसको लेट एक्स एज्यूम किया, तो उसको उसलिए एक्स लिखवाएगा, उसकी वैल्यू
इक्वल्स टू 15 इंटू 1280 इक्वल्स टू 600 इंटू एक्स। हम लोग फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम जब दोनों को इंटू करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा 19,200 और इसका आंसर आएगा 600x। अगर हम लोग 600 को x से इंटू करेंगे तो उसका आंसर 600x ही आएगा। इतना कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग को डिवाइड करना है दोनों को। x इक्वल्स टू 19,200 अपॉन 600। तो हम लोग को डिवाइड करना है 600 डिवाइडेड बाई 19,200। तो इसका आंसर आप तो तब तक ढूंढते रहिए, मैं आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है x इक्वल्स टू 32। इतना कर लेंगे, उसको हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। देयरफॉर 32 बंचेस ऑफ फीड बाय 1280 रुपीज़। 32 बंचेस ऑफ फीड बाय 1280 रुपीज़। 1280 रुपीज़ 32 बंचेस ऑफ फीड बाय करेगा। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड आंसर। फॉर 9 काउस 13 केजी 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे 9 काउस रिक्वायर्ड 13 केजी 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट। उसके बाद हम लोग लेट एज्यूम करेंगे, लेट 12 काउस रिक्वायर्ड एक्स केजी ऑफ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला डालेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला डालना है हम लोग को इसमें। 9/13.500। मैंने यहाँ पे पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि अभी ये केजी में है और एक ग्राम में है, तो हम लोग को दोनों को एक में करना पड़ेगा सम सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट लगा दिया ताकि केजी हो जाए बस। इक्वल्स टू 12/x। इसके बाद हम लोग को करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 × x इक्वल्स टू 13.500 इंटू 12। 9 × x 9x 13.500 इंटू 12। आप लोग सॉल्व कर दिए, तब तक मैं आपको देता हूँ 1,62,000। उसके बाद अभी ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। तो उसके बाद जब हम लोग को x यहाँ पे लाना आएगा सॉल्व करना आएगा तो उसकी वजह से हम लोग को डिवाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। इक्वल्स टू के बाद डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा ये। x इक्वल्स टू 9/1,62,000। इतना हो गया, उसके बाद हम लोग को डिवाइड करना है। नाउ x इक्वल्स टू 18,000 kg। तो फ्रेंड्स इतना हो गया, हम लोग को आंसर मिल गया। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट आएगा 162.000। तो हम लोग को 9 के टेबल में 162 लाना है, तो 89 से 162 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 18 kg। ये पॉइंट के बाद कभी भी वैल्यू नहीं होती इसकी जीरो की। तो हम लोग उसके बाद में स्टेटमेंट लिख लेंगे, देयरफॉर 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट विल बी
रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ आंसर, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, पहले जो दिया है गिवन दिया उसको कहेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद हम लोग लेट एज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन सीड्स बी एक्स रुपीस। मैंने यहाँ पे रुपीस का सिंबल डाला है, आप चाहे तो लिख सकते हैं रुपीस, एग्जाम में आप लोग को रुपीस लिखना है। फॉर्मूला डालेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, 12/36,000 इक्वल्स टू 8/x। तो हम लोग को सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, देयरफॉर 12 × x इक्वल्स टू 36,000 × 8, 12x इक्वल्स टू 288,000। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं पेज टर्न करता हूँ अपना, इतना हुआ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 288,000 अपॉन 12। तो हम लोग को डिवाइड करना है, आप लोग करते रहिए, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, आपके लिए अच्छा है। x इक्वल्स टू 24,000 रुपीज़, हम लोग को आंसर मिल गया 24,000 रुपीज़। तो अभी हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 24,000 रुपीज। करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरह। क्वेश्चन फिफ्थ है, टू मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 13 सच मोबाइल्स। चलो लिखते हैं इसका आंसर, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, टू मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज, लेट 13 मोबाइल्स कॉस्ट बी एक्स रुपीज, देयरफॉर फॉर्मूला 2/16,000 इक्वल्स टू 13/x। टू मोबाइल्स के लिए 16,000 रुपीज, 13 मोबाइल के लिए x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × x इक्वल्स टू 16,000 × 13। अभी 2x इक्वल्स टू 2,08,000, x यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये बात x इक्वल्स टू 2/20,800, 2,08,000, x इक्वल्स टू 2,08,000 अपॉन 2, सॉरी गलती से हो गया, x इक्वल्स टू 104,000।
तो हम लोग को डिवाइड करना है इसको, तो ये आंसर आएगा हम लोग का। ये गलती से हो गया, देयरफॉर 13 सच मोबाइल्स कॉस्ट 1,04,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स, हम लोग का पांचवा सम सॉल्व हो चुका है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैं डाल दूंगा जल्दी।